सही तरीके से हम आपको जो है ना बच्चों की कटिंग कैसे सेट की जाती है उसका तरीकाकार समझाने वाले हैं दोस्तों। हमेशा हमने आपको जो है ना सिंपल कटिंग बच्चों की कैसे की जाती है इसके मुतल्लिक पहले भी हम आपको जो है ना समझा चुके हैं और उसी रवायत को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में भी हम आपको जो है ना बच्चों की सिंपल कटिंग करने का स्टेप बाई स्टेप तरीकाकार समझाएंगे। शावर लगा के जैसे कि आपने देखा फर्स्ट क्लिपों में जो है ना हमने बालों के ऊपर शावर लगाया था, फिर मांग को सेट करके पिन लगा के दो नंबर का क्लिप जो है ना वो हमने लगाना स्टार्ट कर लेना है। दो नंबर का क्लिप जो है ना वो हमने कान से ऊपर लगाना है और कलम से नीचे नीचे तक, यानी कि हमने जो ना ये दो नंबर क्लिप जो है ना लगाना स्टार्ट कर लेना है दोस्तों। जब हम कान की फर्स्ट साइड पे दो नंबर क्लिप लगा लेंगे फिर कान के ऊपर वाले पोर्शन पे दो नंबर क्लिप लगा लेना है। इसी तरह हमने गर्दन वाले एरिया पे भी दो नंबर क्लिप अच्छी तरह लगा लेना है। फिर हमने गर्दन के मुकम्मल बालों को यानी कि बैक साइड से जो ना अच्छी तरह दो नंबर क्लिप लगा लेना है। तो दोस्तों हम आज आपको जो ना सिंपल बच्चों की कटिंग वो भी जो फौजी कटिंग होती है या नॉर्मल घरेलू जो कटिंग होती है उसका स्टेप बाई स्टेप तरीकाकार आपको समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको जो ना बड़े आसान लफ्ज़ों के साथ और बड़े आसान तरीके के साथ जो ना बच्चों की सिंपल कटिंग करने का तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो जब हम फर्स्ट साइड पे बैक साइड पे और सेकंड साइड पे अच्छी तरह दो नंबर क्लिप लगा लेंगे तो अब बारी आ जाएगी इसको साथ मिक्स करने की। तो मिक्स कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। तो वेलकम बैक टू मुबश्शर हेयर सलून टू दोस्तों, मैं आपका अपना मुबश्शर और हमेशा की तरह हम आपको जो ना सलून की कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके के साथ समझाते हैं अपने अकाउंट मुबश्शर हेयर सलून टू पर दोस्तों। और उसी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में हमने आपको जो ना सिंपल कटिंग वो भी बच्चों की कैसे की जाती है जो स्कूल में भी चल जाए और घरेलू मामलात ज़िंदगी में भी चल जाए। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको जो ना बच्चों की सिंपल कटिंग करने का तरीका कार समझा रहे हैं। दो नंबर क्लिप लगा के आपने जो ना कैंची और कंघे के साथ इसके फेड को बना लेना है। कैंची कंघे के साथ भी स्लोप को मिक्स कर सकते हैं, मशीन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। तो लिहाजा हम जो ना सिंपल कटिंग कर रहे हैं तो सिंपल कटिंग के लिए हम मशीन और कंघे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जो है ना कैंची और कंघे का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि पहले कैंची कंघे के साथ मोटी स्लोप को सेट करेंगे, फिर कैंची और कंघे की मदद के साथ इसको अच्छी तरह साथ मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों मुकम्मल साइड को कैसे नीट किया जाता है वो भी हम आगे जाके आपको बताते हैं। फिलहाल हमने जो ना मोटी स्लोप को साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, यानी कैंची कंघे के साथ इसको हमने सेट कर लिया है। अब ये जो इसमें जो यानी कि दो नंबर क्लिप से ऊपर जो लाइन है इसको कैसे मिक्स किया जाता है वो आगे जाके हम आपको बताते हैं। जब हम मोटी स्लोप को सेट कर लेंगे फिर हमने साइड से राउंड को सेट कर लेना है। साइड से राउंड को सेट करके जहाँ जहाँ पे हल्की फुल्की कैंची कंघे का इस्तेमाल होने वाला हुआ वहाँ पर कैंची कंघे का इस्तेमाल करके फिर हमने सेकेंड साइड को नीड करना स्टार्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूं दोस्तों के साइड को मुकम्मल कैसे नीड किया जाता है वो आगे जाके हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है ना सेकंड साइड को कैसे नीड किया जाता है वो बताएंगे। यानी कैंची और कंघे की मदद के साथ स्लोप को अच्छी तरह सेट कर लेना है। जब हम कैंची और कंघे की मदद के साथ फर्स्ट साइड नीड करके सेकंड साइड को नीड कर रहे होंगे तो उसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल मुबश्शर हेयर सलून टू दोस्तों, जिसमें जो हम आपको सलून की कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। अगर पुराने व्यूअर्स में से हैं तो एक प्यार सा कमेंट और लाइक वगैरह करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा दोस्तों। जब आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब वगैरह हमारे चैनल को कर लेंगे तो हम जो ना आगे आपको जो ना कटिंग वगैरह समझाने का जो प्रोसीजर उसकी तरफ आते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है दोस्तों कि हम डायरेक्ट अब अपने पॉइंट की तरफ ही आते हैं। सेकंड साइड को नीड करके फिर हम जो ना बैक साइड से जो ना बालों को ट्रिम करना स्टार्ट कर लेंगे। बैक साइड से जो ना कैंची कंघे की मदद के साथ हमने इसकी फेड को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यानी कि जब हम कैंची कंघे की मदद के साथ बैक साइड की मोटी स्लोप को सेट कर रहे होंगे तो उसमें हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारा कंघा जो ना स्लोप के साथ चले और कैंची और कंघे की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि ना हमने कैंची को स्पीड के साथ चलाना है ना कंघे को स्पीड के साथ चलाना है, दोनों की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए और हमने स्लो स्लो जो ना स्लोप को बनाते जाना है। तो दोस्तों हमने इससे पहले जो ना बच्चों की कटिंग के मुतल्लिक जो ना अलग अलग कैटेगरी की जो ना वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं जिसमें ज़ीरो मोटी और अलग अलग की फेड किस्म की ना कटिंग वगैरह है। तो ये मुकम्मल तीनों साइडों की ये जो लाइन इसको कैसे क्लियर किया जाता है वो हम जो ना आपको आगे जाके बताते हैं। फिलहाल ऊपर से जो ना साइडों के लिहाज से जो ना बालों को ट्रिम करेंगे।
साइडों के लिहाज से जो ना नॉर्मल बाल ऊपर से ट्रिम कर लेंगे, ज़्यादा बालों को हम ट्रिम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बाल ट्रिम किए हैं तो बच्चे के पहले बाल जो ना घुंघरेले हैं, तो अगर ज़्यादा बाल ट्रिम कर दिए तो वो ओवर लगेंगे, कटिंग के लिहाज से जो ना सूटेबल नहीं होंगे। हमने अच्छे तरीके के साथ इसकी फर्स्ट साइड नीड कर ली, सेंटर वाला पोर्शन नीड कर लिया किंची कंघे की मदद के साथ, बालों को उछाल के और हाथ के साथ पकड़ के इनको हम ट्रिम कर रहे हैं। इसी प्रोसीजर के साथ हमने ऊपर वाले मुकम्मल पोर्शन को जो ना ट्रिम कर लेना है। जब हम ऊपर वाले पोर्शन को अच्छी तरह ट्रिम कर लेंगे तो फिर हमने इसकी कमी पेशी को निकालना है, यानी कि अब इसकी ना मुकम्मल बालों को कंघी करके अब अच्छी तरह जहाँ जहाँ पर इसकी कमी पेशी वहाँ वहाँ से हमने कमी पेशी को निकालना है। लेकिन उससे पहले फाइनली ऊपर से जो ना ये लास्ट पोर्शन रह गया हमारा, इस पोर्शन को ट्रिम करके तो दोबारा बालों के ऊपर अच्छी तरह कंघी करेंगे हम। जब हम कंघी कर लेंगे फिर बारी आ जाएगी कंघी और कैंची की मदद के साथ हम जो है ना बैक साइड से बालों को ट्रिम करेंगे, यानी कंघे के साथ बालों को पकड़ना है, दो फिंगर के अंदर लेके आना है और बालों को ट्रिम करते जाना है। अब इसी तरह हमने जो ना मुकम्मल ऊपर वाले पोर्शन को जो ना ट्रिम कर लेना है। जब हम ऊपर से मुकम्मल बालों को ट्रिम कर लेंगे दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी ऊपर वाली पोर्शन की जो ना टोटली सेटिंग हो जाएगी। इसमें हमने आपको स्ट्रेट बालों को काटने का तरीका कार बताया ऊपर से, अब जो है ना इसको तिरछा काट रहे हैं ताकि इसकी जो ऊपर से बड़े छोटे बाल हैं वो एक जैसे हो जाएं और बाद में जब मांग वगैरह बनाएं, बच्चा हेयर स्टाइल बनाए तो उसको सूटेबल हो। तो टोटली हम सिंपल कटिंग करने का तरीकाकार आपको इस वीडियो में जो ना इससे पहले समझा चुके हैं और अब बारी आ गई इसको नीड करने की। तो हमने दो नंबर मशीन जो ना दोबारा मुकम्मल जो ना ये लगा लेनी है साइडों पे। जब हम दो नंबर मशीन मुकम्मल साइडों पे लगा लेंगे तो हमने इसी में इसका पॉइंट सेट कर लेना है, यानी कि इसको बैक साइड पर करके अब ये जो लाइन है इसको नीड करना स्टार्ट कर लेना है। पहले दो नंबर क्लिप लगाना है, फिर तीन नंबर क्लिप जो ना उसके साथ हमने ये जो लाइन है इसको नीड कर लेना है। तो अब ये बस इसकी स्लोपिंग को बस सेट करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो ना फर्स्ट साइड से जो ना इसकी दो नंबर क्लिप लगा के इसकी नीडनेस करना स्टार्ट कर लिया है। जब हम फर्स्ट साइड को अच्छी तरह दोस्तों दो नंबर क्लिप और तीन नंबर क्लिप के साथ सेट कर लेंगे, फिर बारी आ जाएगी हमारी बैक साइड और सेकंड साइड की। लिहाजा हम बैक साइड से जो ना दोबारा दो नंबर क्लिप लगाएंगे, दो नंबर क्लिप अच्छी तरह जब बैक साइड पे लगा लेंगे तो इसको हमने जहाँ पे उल्टे बाल है उल्टे बालों के लिहाज से ट्रिमर को चलाना है, जहाँ पे स्ट्रेट बाल है वहाँ स्ट्रेट बालों के लिहाज से ट्रिमर को चलाना है। जब हम दो नंबर क्लिप लगा लेंगे फिर हमने तीन नंबर क्लिप के साथ इसकी फेड को अच्छी तरह साथ मिक्स कर लेना है। जब हम दो नंबर और तीन नंबर क्लिप के साथ बैक साइड को भी नीड कर लेंगे तो इसकी जो स्लोपिंग को अच्छी तरह हमने तीन नंबर क्लिप के साथ साथ मिक्स कर लेना है। मेरे बात करने का मकसद ये है दोस्तों, जब हम बैक साइड को भी नीड कर लेंगे तो फिर बारी आ जाएगी हमारी सेकंड साइड की। तो हम जो ना सेकंड साइड को अच्छी तरह दो नंबर क्लिप लगाएंगे पहले, फिर दो नंबर क्लिप के साथ इसको अच्छी तरह जहाँ जहाँ पर इसकी कमी पेशी हुई बालों की स्लोपिंग की इसको सेट करके, फिर तीन नंबर क्लिप लगा के तीन नंबर क्लिप के साथ इसकी स्लोपिंग अच्छी तरह कर लेंगे। तो ये हमने टोटली आपको बालों को वेट करके, यानी कि वेट को कम करके इसकी स्लोपिंग करने का तरीकाकार यहाँ तक समझा दिया है। अब बारी आ गई यहाँ से गुलाई करने की। पहले हमने कैंची की मदद के साथ इसकी गुलाई को सेट कर लेना है, कलम पे कट लगा के साइडों से राउंड निकाल लेना है। इसी तरह हमने बैक साइड पर भी लगा लेना है, फिर उस तरह के ऊपर गिरफ्त करके, यानी कि जब अच्छी तरह उस तरह के ऊपर गिरफ्त कर लेंगे फिर हमने फर्स्ट साइड पर जो ना ब्लेड लगाना स्टार्ट कर लेना है। उस तरह की बैक साइड के साथ हमने ब्लेड लगाना स्टार्ट कर लेना है, फिर उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ ब्लेड लगाना स्टार्ट कर लेना है, यानी कलम के ऊपर हमने उस तरह की बैक साइड से ब्लेड चलाना है, कान के ऊपर और कान की बैक साइड पे हमने उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ ब्लेड चलाना है, फिर हमने गर्दन वाले पोर्शन पे भी उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ ब्लेड चलाना है। जब हम अच्छी तरह दोस्तों ब्लेड के साथ लाइनिंग कर लेंगे फिर गर्दन के ऊपर मुकम्मल उस तरह चला के हमने अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। फर्स्ट साइड पर हमने मुकम्मल ब्लेड लगा लिया, अब इसकी कमी पेशी को सेट करके बारी आ जाएगी सेकेंड साइड की। सेकेंड साइड पर जहाँ जहाँ पर कैंची कंघे का इस्तेमाल होने वाला हुआ वहाँ वहाँ पर कैंची कंघे का इस्तेमाल करके फिर कैंची की मदद के साथ गुलाई को सेट करेंगे, यानी कि हमने कलम पे निशान लगा के कान के ऊपर से गुलाई को सेट करके अच्छी तरह जब हम उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ कलम पे कट लगा लेंगे और कान के ऊपर वाले पोर्शन पे ब्लेड चला के गुलाई को सेट कर लेंगे, इसी तरह हमने जो ना गर्दन के ऊपर वाले साइड पे भी हमने ब्लेड लगा लेना। मेरे कहने का मकसद ये है दोस्तों, कान के ऊपर वाले साइड पर भी ब्लेड लगा लेना है, गर्दन के ऊपर उस तरह की फ्रंट वाली नोक के साथ मुकम्मल ब्लेड चला लेना है। जब हम अच्छी तरह मुकम्मल ब्लेड चला लेंगे तो फिर बारी आ जाएगी हमारी गर्दन की।
तो गर्दन पे हमने चौरस शेप रखनी है और गर्दन के ऊपर आपने उस तरह लगाते हुए ध्यान रखना है, स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। जब आप स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे, ना तो कट लगेगा और बआसानी तरीके से कस्टमर के जो गर्दन के फालतू बाले में उतर जाएंगे। तो ये फाइनल फर्स्ट साइड नीड होने के बाद, सेकंड साइड नीड होने के बाद फ्रंट वाला पोर्शन आपके सामने दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये जो मुख्तसर सी वीडियो है, जिसमें हमने आपको जो ना सिंपल बच्चों की कटिंग करने का स्टेप बाई स्टेप तरीकाकार समझाया है, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब हमारा ऑफिशियल चैनल मुदस्सर हेयर सैलून टू। दोस्तों तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मुबशर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।